हेलो एज गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का लच्का यूपीएससी चैनल के ऊपर एंड हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास चल रही है बहुत अच्छे से एंड आई होप यू आर गेटिंग ऑल द गुड नॉलेज हेयर शो आज हमने जो है करंट अफेयर्स भी आपके लिए चालू कर दिया है रेगुलर बेसिस पे नौ बजे मंडे टू सैटरडे जो है हम हिंदू का जो है करंट अफेयर्स करेंगे so you can obviously communicate to me in case of any uh, thing you want okay कोई भी चीज़ आप चाहते हो या आपको लगता है कि उसको ऐड करके हम हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को और बेहतर बना सकते हैं तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कीजिए ओके okay, फिलहाल ह्यूमन जोग्रफी की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों जो कॉम्पीट और कॉम्बैट दोनों ही आए हो अब आप दे रहे हो फ्री इनिशिएटिव एन अकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं ईहर यू कैन टेस्ट या नॉलेज ओके सो दे आर लाइक टेस्ट ओके बाकी आप मेरे से जुड़ने के लिए डी यूपीसी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ी गए होंगे ऑल right. अभी आप सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ सकते हो एंड वी हैव अ वेरी फैबुलस ऑफर गोइंग ऑन कल से बचो बैचेस चालू हो चुके हैं कॉम्प्रेहेंसिव दो की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैचेस ठीक है तो ये तो एक बात है और बात दूसरी जो है वो ये है कि आपको भी खतरनाक वाला डिस्काउंट मिल रहा है मतलब बिल्कुल सॉलिड वाला डिस्काउंट मिल रहा है ऑलमोस्ट फिफ्टी डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड मतलब आपको मैं ज्यादा तो क्या बताऊँ आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो आप लोग शायद बहुत लोग लेना भी चाहते होंगे सोच रहे होंगे लेने का डेढ़ साल का ये सारे डेढ़ साल के ही हैं सब्सक्रिप्शन एक लाख पांच हजार का है तो आपको मात्र साठ हजार मिल रहा है वो और इससे भी कम हो जाएगा प्राइस आप ये कोड यूज़ कीजिए सेड यू पी एस सी और आपको मेरी मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी ही ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द क्लास प्लीज शेयर द क्लास प्लीज लाइक द क्लास तो वो आज हम एक बहुत ही वैसे कहने को सिंपल है ठीक है बट अगर आपने पूरी क्लास अटेंड करी तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कितनी चीजें एग्जाम में आ चुकी है और लगता है कि बहुत ईजी है ये टॉपिक ओके okay, प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब हम समझते हैं क्या होता है मोस्टली नहीं समझते तो मैं समझा दूंगा अभी लेकिन काफी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं आपको टॉपिक के साथ बताता भी रहूंगा कि इस टॉपिक पर से क्वेश्चन आ चुका है इनफैक्ट इसी साल मेन से भी क्वेश्चन था ठीक है अबाउट द इंटीग्रेटेड फार्मिंग ठीक है पूरा पंद्रह नंबर का को क्वेश्चन था मेंस के अंदर इसी साल जो अभी जिसका रिजल्ट भी आस, आज शायद आ सकता है फ्राइडे को ठीक है मेंस 2022 ऑलराइट सो प्राइमरी एक्टिविटीज विल बी टॉकिंग अबाउट ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट इट एंड वोट बी वेरी वेरी यूजफुल क्लास गुड आफ्टरनून सपना गौरी करीना सिंधी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून लेट्स स्टार्ट द क्लास ठीक है तो तो वाइज इकोनॉमिक मैंने आपको बोला था ह्यूमन का, का काफी जो है ओवरलैप है इकोनॉमी के साथ में तो इकोनॉमी के अंदर हम बेसिकली तीन तरह की एक्टिविटीज होती है ठीक है एक तो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज ठीक है दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज तीसरी होती है टर्शरी एक्टिविटीज ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटीज तो इस प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है इकोनॉमिकल इकोनॉमी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है जहां पर इंसान जो है सीधा नेचर से डायरेक्टली रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करता है ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे आई एम श्योर बट बाकी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको शायद नहीं पता होगा तो प्राइमरी एक्टिविटी गई क्या हो गई जैसे मैंने खेती करी गेहूं उगाया और उसको बेच दिया या मैंने खा लिया वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा ठीक है मैंने सेब उगाया फूल उगाया नेचर से कुछ भी चीज में ले रहा हूं वो प्राइमरी एक्टिविटी है ठीक है इवन वाइज माइनिंग जो है मिनरल जो हम माइंस निकालते हैं जो कोयला में अगर निकाल रहा हूं मैं लोहा निकाल रहा हूं जमीन से सोना निकाल रहा हूं सब प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा ठीक है तो ये सारा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है ऑल इवन फिशिंग वाटर बॉडीज से वाटर से समुन्दर से लेक से रिवर से जो भी आप रिसोर्सेज निकाल रहे हो सैंड है सैंड माफिया होते हैं ठीक है थीके? वो सब आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है समझ गए मतलब पंडा ये है कि जो भी चीजें हम डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे वो सोना हो ठीक है चाहे वो आपके कोयला हो चाहे वो आपके गेहूं हो या चावल हो कुछ भी हो चाहे वो कोई यू you नो know, एनिमल का प्रोडक्ट हो सब आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है समझ गए आप आने वाली में हम इनको कवर करेंगे तो तब इनके बारे में बात कर लेंगे अभी जो है प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ भी आजकल ये भी हो गई है इनके बारे में बात करेंगे आपको आज लेकिन मुद्दा है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को लेकर है ठीक है थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास लाइट ज्यादा है आज थोड़ी सो सोइ हेर यू आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दे द एन्वायरमेंट सच एज लैंड वाटर वेजिटेशन ओके okay, मिनरल्स वगैरह वगैरह ठीक है हंटिंग गैदरिंग पास्चुरल एक्टिविटीज पास्चरल मतलब चरागाह जो होते हैं ओके फिशिंग फॉरेस्ट्री लकड़ी काट के ला रहे हो आप जंगल से लकड़ी बेच रहे हो या लकड़ी से यू नो आप यूज कर रहे हो लकड़ी को एज अ फ्यूल सब कुछ आपका जो है इसमें आएगा माइनिंग एंड कोरिंग ओके तो इस सारी की सारी जो है आपकी ये सारी की सारी नीचे जो लिखी है सारी की सारी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है ठीक है सो दैट इज द थिंग सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्म ऑफ इट ठीक है ठीक है सो हंटिंग एंड गैदरिंग बच्चों इंसान ने सबसे पहले करना चालू किया ठीक है इंसान जब थोड़ा समझदार बना थोड़ा रवोल्यूशन हुआ तो उसे सबसे पहले वो क्या करना सबसे पहले जो है अर्ली मैन हुआ करते थे आपको पता है वो केव्स में रहते थे जंगल में रहते थे ठीक है तो यही सबसे पहले इंसान ने क्या किया हंटिंग करता था वो ठीक है हंटिंग करता था एनिमल्स को मारता था एनिमल्स का मीट खाता था उन उस, उसकी खाल से जो है कपड़े बनाता था वगैरह वगैरह और गैदरिंग करते थे ठीक है इससे यू नो फॉरेस्ट में चले गए तो जो भी फल फ्रूट मिल गए वो ले आए ओके okay, उगाने की तो अभी जो है नॉलेज हमारे पास थी नहीं तो मोस्ट गाइज अर्ली जो प्राइमरी एक्टिविटीज है जहां से यू you नो know, इंसानी सभ्यता जो है आपके डेवलप होती है वो हंटिंग और गैदरिंग सबसे हमारा ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है हंटिंग और गैदरिंग क्योंकि इसके लिए कोई साइंस वाइंस नहीं चाहिए ठीक है आपको जाना है जंगल में और सामान उठा के लाना है खाने पीने का और हंटिंग में आपको जानवर को मारना है और उससे जो है अपने काम का सामान निकालना है तो बच्चों एनिमल्स को जो है हंट किया जाता था एडेबल प्लांट्स कोई है फ्रूट्स है तो उनको गैदर किया जाता था तो ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में भी सबसे पहले जो है हमने करना सीखा उसके बाद जो है इंसान ने थोड़ा मछली वछली पकड़ना भी सीख गया वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ में ठीक है इस हंटिंग का बच्चों सिलसिला इतना चलता रहा कि कई एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी हो गए आपको पता होगा जैसे मैमथ एक जानवर हुआ करता था ठीक है जो हाथी की तरह हुआ करता था लेकिन उसके बहुत बड़े सींग होते थे ठीक है बड़े बड़े से उसके वो होते थे सींग तो एक्सटिंक्ट हो गया है आज ठीक है हाथी की तरह होता था वो आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ठीक है ऐसे होता था तो बहुत बड़े बड़े सीन होते थे तो वो इंसान ने इतना मारा हंट इतना किया कि वो एक्सटिंक्ट हो गया सो दैट इज द थिंग लेकिन जो पहले गई प्राइमरी एक्टिविटीज थी बहुत ही प्रिमेटिव स्किल्स के साथ होती थी, थी अब जो है वो चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई है ठीक है सो गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नोन टू ह्यूमन ओके तो ये ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो ह्यूम करते थे एक जमाने के अंदर। right, so so के अंदर अंदर ठीक है है सो सो आई होप इट इज वेरी सिंपल गैदरिंग जो हार्श क्लाइमेट कंडीशन हुआ करते थे वहां पर जो है लोग बाग गैदर करते थे फूड प्रोडक्ट्स को ठीक है ईल्ड पर पर्सन बहुत लो होता था ओके okay. खाने के लिए पर्याप्त जो है मात्रा यू नो इकट्ठा नहीं हो पाती थी तो ठीक है आज भी लेकिन पर जो है गैदरिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है जैसे कि हाई एल्टीट्यूड हैं जो बहुत ही ऊपर पहाड़ पे जो जगह हैं ओके okay, जैसे कि नॉर्दन कैनेडा यूरेशिया में भी जगह हैं ऐसी एमेजन बेसन है तो यहां पर भी जो है ट्राइबल्स वगैरा जो है वो आपके जो है फल फूल गैदर करते हैं ओके फॉरेस्ट okay, से और उनको कंज्यूम कर लेते हैं या फिर जो है बेच you know, देते हैं तो बच्चों आज एक और इसमें you know, the और इसमें इसमें कंपोनेंट आ गया कि टुडे यू नो द गैदरर्स दे सेल आल्सो कई जो चीजें हैं वो तो बहुत ही वैल्यूएबल होती है जैसे कई लीव जैसे होते हैं जिनकी बहुत डिमांड होती है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जिस आयुर्वेदा है वो बार्कस होती है जैसे को पता है कि कुने इनकी जो लकड़ी होती है उसकी जो बार्क है उसका जो तनाव उसका जो बार्क होता है खाल होती है उससे मलेरिया का इलाज होता है तो मेडिसनल प्लांट तो ये सब वैल्यू जो है आज भी इनकी है और आज इनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है ठीक है गैदरर्स ही काम करते हैं तो बच्चों ये कुछ वर्ल्ड के इलाके हैं जहां पर आज भी गैदरिंग जो है की जाती है तो इसमें देखो ट्रॉपिकल आपके एरियाज आ गए ठीक है तो यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है सो गैदरर्स आर स्टिल देयर सो गैदरिंग हंटिंग तो अब ऐसे बंद हो गई है मतलब ओपन हंटिंग बट गैदरिंग जो है आज भी करी जाती है ठीक है देन इंसान जो है गई थोड़े आपके इवॉल्व हुए और दे स्टार्टेड पास्लि पास्टर ठीक है उन्हें समझ में आ गया कि हंटिंग जो है सस्टेनेबल नहीं है कभी शिकार मिले ना मिले तो कुछ भी हो सकता है तो इससे अच्छा है कि जानवरों को पकड़ लो पालो और उनको फिर जो है डायरेक्टली आप यूज करो तो जो है पास्चरिज्म आ गया कि जानवरों को पालो चराओ वराओ उनको घुमाओ फिराओ और जब टाइम आए तब उनको स्लॉटर करके यू नो कंज्यूम कर लिया जाए तो वहां से आया अब गई यहां से कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में भी आता है ये विटिल सी ने जो है क्लासिफिकेशन दिया था तो वो हम कुछ तरह के जो वैसे तो जो जोग्राफिक ऑप्शन में हम पढ़ते हैं ये बट कुछ चीज़ें आपको जी के हिसाब से भी पता होनी चीजें नॉमेडिक हर्डिंग क्या होती है ठीक है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंच क्या होती है ऑल राइट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिडेंस क्या होता है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है मिक्सड क्रॉपिंग क्या होती है मिक्सड फार्मिंग क्या होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी है प्रलिम्स में भी और मेन्स में भी तो यहां से जो है आपको चीजें थोड़ी जो है समझनी पड़ेगी कुछ नाम जो है आपको याद जो है करने पड़ेंगे अब तक तो आई होप इट वॉज ईजी ठीक है तो यहां से हम जो है थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपन नोमैडिक हर्डिंग से ठीक है यस गुड आफ्टरनून मधीबी ठीक है तो जो नोमेडिक हर्डिंग के होती है ओके नोमेडिक हर्डिंग एक एक्टिविटी होती, होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है इंसान जो है जानवर पालते हैं एक नहीं बहुत सारे ठीक है बहुत सारे जानवर पालते हैं ओके सौ दो सौ हजार पांच सो और ये लोग कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ठीक है बेसिकली प्रिमेटिव एक्टिविटी यानी कि यू नो बैकवर्ड एरियाज में या फिर आपके मतलब जो लोग यू नो अफ्रीका के अंदर वहां पर नॉर्मेडिक हर्डिंग जो है आज भी करी जाती है साइबेरिया के अंदर ठंडे इलाके हैं वहां पर रेनडियर को पाला जाता है तो बहुत सारे बड़े हजारों जानवर होते हैं इनके पास और ये क्या कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं चरागाहों की तलाश में पास्चुरल लैंड की तलाश में ये लोग कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं इसको कहते हैं नॉर्मेडिक हर्डिंग ठीक है पास्टोरल नॉमेडिजम इज अ मतलब पुरानी ओल्ड वेरी ओल्ड एज ओके तो प्रिमेटिव तरीका है एक बार एक तरह से जानवरों को पालने का और इन जानवरों से इनको जो है फूड मिल जाता है मीट के फॉर्म में क्लोदिंग मिल जाती है शेल्टर मिल जाता है टूल्स मिल जाते हैं ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं कभी कभी मन होता है थक गए तो उन्हीं पर बैठ जाते हैं ये ठीक है ये जैसे कि याक्स हो गए रेनडियर्स हो गए आपको पता ही है सारी की सारी और अब आज आजकल इसमें एक और कंपोनेंट आ गया कि मनी भी जो है वो अर्न कर सकते हैं जो जानवर है उनको बेच देते हैं वो या उनके प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं तो उससे जो है नोमेडिक हर्डर्स जो हैं आपके वो आपके पैसा भी कमा लेते हैं तो दिस इज द बेसिकली द नोमिक हर्डिंग ठीक है तो अफ्रीका के अंदर की जाती है कैटल्स को जहां पे यू नो झुंडो में पाला जाता है एक, एक, एक ट्राइब है उसका नाम सुना होगा आपने अफ्रीका की मसाई ट्राइब ठीक है वो कैटल का ब्लड पीते हैं ठीक है थीके? कैटल का ब्लड पीते हैं सो लाइक दिस गेट दे ओके डू द देअर डेली यू नो कंज्शन द हाउ दे यू नो लिव देयर लिविंग आउट ऑफ द लाइफ स्टॉक ओके सहारा रेगिस्तान में होते हैं वो बेचारे वो जो है आपके कैमल्स को लेके चलते हैं गोट्स शिप्स, शीप्स को लेके चलते हैं बाकी तिब्बत और पहाड़ी इलाकों में याक्स और लामाज होते हैं ठीक है आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया में जो है रेनडेयर होते हैं ठीक है रेनडेयर आए हो आपने देखा होगा क्रिसमस में जो आपके सेंटा क्लॉज वाला जो जानवर होता है सेंटा क्लोज में बैठ के आता है वो रेनडेयर होता है ठीक है तो ये हर्डिंग और तो नॉर्मल जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है जो आपको बाद में बताऊंगा उसमें यही फर्क है ये स्टेशनरी नहीं होता हैं ये ठीक है, है चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं ये आपकी नॉर्मेटिक हर्डिंग होती है जैसे आप ये देख लीजिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है बट आई होप बट यू विल गेट द थिंग ठीक है तो ये चलते रहते हैं ना इनकी कोई जमीन है ना इनके पास कोई ठिकाना है बस इनके पास जो भी है इनका वो ये जानवर है और इन जानवरों को से ही जो है इनका जीवन का जो है गुजारा जो है होता है समझ गए आप ठीक है, so pastures, pasture okay, areas, ठीक है? तो प्लेन एरिया प्लेन जो एरिया होता है तो वहां पर बच्चों घास फूस जो है सूख जाती है समर्स में ठीक है तो ये अपने जानवरों को लेकर ऊपर पहाड़ों पे चल जाते हैं अंदर ठीक है और जब ठंड आती है तो पहाड़ों पे वो ठंड होती है तो नीचे आती है दोबारा ओके इसको कहते हैं ट्रांस स इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांस ठीक है हिंदुस्तान में बच्चों गुजर्स बकरवाला जो हैं कश्मीर में और भूतिया कम्युनिटी एक है उत्तराखंड में ठीक है ये लोग इसी तरह से करते हैं कि जब गर्मी आती है तो ये लोग हाइट पे चले जाते हैं वहाँ पर लैंड की तलाश में और जब सर्दी आती है तो नीचे आ जाते हैं प्लेन्स में और ऐसे अपने जानवरों को पालते हैं ये टोंड्रा के इलाकों में भी ऐसा होता है ठीक है समर्स में वो नॉर्थ में चले जाते हैं ओके okay, जब ठंड आती है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं ठीक है तो ये आपके ओके okay? तो होती जा रही है क्योंकि अब जो है मॉडर्नाइज so हो रही है सिविलाइज हो रही है और बाकी जो है कई तरह की पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई हैं कई तरह की लिमिटेशन है हर जगह आप जा नहीं सकते हो तो ये एक्टिविटी जो है अब इस डिक्लाइन पर है बेसिकली ठीक है और सेटलमेंट पॉलिसीज आ रही है नई तरह के सेटलमेंट हो रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि सेटल हो जाओ एक जगह बंजारा जीवन क्या जीना एक जगह घर बनाओ वहीं रख लो जानवर वानवर थोड़ी खेती कर लो वो ज़्यादा बेटर है तो ये जो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी अभी डिक्लाइन पे है ठीक है खत्म हो रही है धीरे धीरे बिकॉज एज द ह्यूमन्स आर गेटिंग मॉडर्नाइज ओके तो वजह ये इलाका है जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग करी जाती है अफ्रीका का काफ़ी पार्ट आ गया इसमें ठीक है ये अरेबियन पेन आ गया ये मंगोलिया गोबी डेजर्ट, साइबेरिया आ गए अफ्रीका का थोड़ा और पार्ट है, तो है, है समझ गया है, हर्डिंग क्या है हर्ड मतलब जानवर झुंड में होते हैं नोमैड्स चलते रहते हैं रुकते नहीं है वो ठीक है सिमिलर बच्चों कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंच भी कहते हैं ठीक है यहां पे भी वही काम हो रहा है लेकिन यहां पर जानवर जो है बच्चों एक जगह पे रहते हैं ठीक है ये बहुत ही कैपिटल इंसेंटिव है वो एक प्रिमेटिव तरीका था जानवर को पालने का ये एक बहुत ही कैपिटल इंसेंटिव है मतलब कैपिटल चाहिए अगर आपको ये करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए आपको बहुत बड़े बड़े शेल्टर्स चाहिए बहुत मॉडर्न आपको जो है टेक्नोलॉजी चाहिए दो चार आदमी होते हैं वो हजारों जानवरों को संभालते हैं ओके तो जो भी प्रोडक्ट्स एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दो चार आदमी तो कर नहीं पाएंगे तो मशीनें बहुत लगती हैं यहां पर और गाइज ये जो है मॉडर्न तरीका है बच्चों ये जो है अभी राइस पे है ओके कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग का है आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी बड़े बड़े पैमाने पे जो है बुल्स को काउस को पिग्स को शीप्स को पाला जाता है बहुत बड़े फार्म्स पर रखा जाता है और उनके मीट और वूल और स्किन वगैरह के लिए जो है उनको यूज में लिया जाता है तो वे ये बहुत ही ये ये जो वेस्टर्न कल्चर में ये जो है चिंग जो है पॉपुलर है एंड इट्स अ वेरी रेम्यूनरेटिव ऑल्सो ऐसे गरीब नहीं होते ये लोग ओके okay, ऑब्वियसली बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं बड़े बड़े ओके okay, तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि गरीब होते दे आर यू नो क्वाइट वेल ऑफ पीपल ओके एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी है हालांकि आपको लगेगा कि सर ऐसा ही होगा बट ऐसा नहीं है दे आर क्वाइट वेल ऑफ पीपल एंड दे यूज़ द मॉडर्न ऑल द मॉडर्न पॉसिबल वेज टू रेयर देर एनिमल एंड दे आर फिक्स बहुत बड़े फार्म होते हैं इनके हजारों एकड़ों में वहां पर जानवर रहते हैं फिक्स और वहीं पे जो है साइकिल जो है चलता रहता है तो दिस इज लाइक कमर्शियल लाइफ स्टॉक लांचिंग और रेयरिंग और हर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया तो देख लो आप बाड़ा बना हुआ है कि इसके अंदर ही ये रहते हैं और यहीं पर सब इनका जो है चीजें होती है तो यही हेर यहाँ पे कुछ एरियाज हैं कभी अर्जेंटीना में बहुत फेमस है एक तो ठीक है साधन अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा है न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा है ठीक है थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया में भी है बाकी अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है प्रेरीज वगैरह में ठीक है सो दीज आर द एरियाज वेयर द कमर्शियल लाइफ स्टॉक ओके डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल राइट एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं ठीक है तो बच्चों दो तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है दुनिया के अंदर ठीक है एक होती है गई सबसिस्टेंस बेस्ड एग्रीकल्चर जो इंडिया में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ठीक है कि किसान जो है खेती कर रहा है उसका मकसद ये नहीं कि पैसा कमाना ठीक है कहते हैं सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उसका मकसद जो है पैसे कमाना नहीं है अनाज को बेचकर उसका मकसद है कि उसका खुद का पेट भर जाए और उसकी फैमिली का पेट भर जाए थोड़ा बहुत अगर कुछ अनाज बच रहा है तो उसको बाजार में बेच दे वो पैसे ले आए और उस पैसे से जो है घर के थोड़े बहुत खर्चे हैं गांव में जो भी होते हैं वो हो जाए ठीक है तो ये होता है वो जो सब्सिस्टेंस बेस्ड एग्रीकल्चर दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब जो एम है फार्मर का यहाँ पर वो सिर्फ उसका पेट भरना है तो आप समझ सकते हो गई क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में फार्मर जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं यूज करेगा ज्यादा बड़ा उसके पास खेत नहीं होगा खुद का पेट भरने के लिए दो लोगों का पेट भरने के लिए चार छह लोगों का पेट भरने के लिए कितना आपको जमीन चाहिए छोटी सी जमीन चाहिए ना कोई ज्यादा मॉडर्न उसे इक्विपमेंट चाहिए ठीक है तो बेसिकली प्रिमेटिव हो गया तरीका है इसी की इसीलिए इसके यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया है पुराना तरीका है ये ठीक है अपने इंडिया में साउथ एशिया में ओके okay, और कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ये एक्टिविटी जो है की जाती है प्रिमेटिव ओके ट्राइब्स हो गए ये लोग जो है ये एक्टिविटी करते हैं सो यू कैन सी ओके एग्रीकल्ड okay? में किया जाता है ठीक है इसी का जो एक और फॉर्म है, तो है, है, तो मतलब है किल्टिवेशन जिसको जुम्म कल्टिवेशन भी कहते हैं इसमें क्या करते हो आप इसमें आप जंगल में जाते हो जंगल का एक एरिया आप साफ करते हो पेड़ गिराते हो वहां पर खेती करता है आदमी दो साल चार साल पांच साल अब गईस क्योंकि प्रिमिटिव है तरीका प्रिमेटिव है मतलब कोई मॉडर्न उसके पास मींस नहीं है फर्टिलाइजर नहीं है पेस्टिसाइड नहीं है कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है कुछ भी नहीं है तो चार पांच साल में क्या होगा सॉइल की जो फर्टिलिटी है जो उपजाऊ की यू नो उपजाऊ क्षमता है सॉइल की द प्रोडक्टिविटी द न्यूट्रिएंट कैपेसिटी वो कम हो जाती है ठीक है तो क्या किया जाता है उसके बाद उस एरिया को छोड़ दिया जाता है और दूसरे पैच को ढूंढा जाता है और उसमें जंगल को काटा जाता है आग लगा दी जाती है और उस इलाके में खेती होती है ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है तो भाई अगर थोड़ा बहुत हो रहा है ये तो ठीक है लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये फिर एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही यू नो डैमेज यू नो करता है ये नॉर्थ ईस्ट में होता है भारत में ओके सेंट्रल इंडिया में भी होता है भारत में और दूसरी जगहों पर भी होता है दुनिया के अंदर जैसे मिल्पा कहते हैं इसको आपके अमेरिका और मैक्सिको में ओके okay, लडांग इसको कहते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में लडांग झुम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं स्लैश एंड बर्न ओके सो ऑल दीज आर सेम बर्ड्स ओके स्लैश एंड मतलब स्लैश फॉर स्लैश द फॉरेस्ट बर्न द फॉरेस्ट देन ग्रो योर थिंग्स देन आफ्टर फ्यू ईयर्स मूव ऑन ओके तो ये होता है ये भी प्रिमेटिव एक तरह से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही फॉर्म है समझ गए आप ठीक है ओके okay. अब इंटेंसिव एक सेकंड गई एक सेकंड माइक हट गया यस yes. प्रमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में तो क्या है कि जो आपका बस इतना ही उगाया जाता है कि पेड़ भर जाए इंसान का ठीक है उसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसमें जो होता है ठीक है ये भी सब्सिस्टेंस है लेकिन कई इसमें जो है ज्यादा थोड़ी कोशिश की जाती है जैसे लैंड को यू you नो know, साल में दो या तीन बार जो है यूज में लिया जाएगा एक बार गेहूं की फसल ले ली एक बार चावल की फसल ले ली दाल की फसल ले ली जो भी है ये से कहते हैं सब इंटेंसिव थोड़ा जोर ज्यादा लगाता है यहाँ पे इंसान ठीक है और कोशिश करता है कि थोड़ा ज्यादा बिक जाए बाहर सामान तो थोड़ा पैसा जो है इनकम जो है बढ़ जाए बेसिकली कमर्शल होना उसका मकसद नहीं है बस थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए ओके तो ज्यादा थोड़ा यूज में लेता है लैंड को ये अधिकतर वहां पे होता है इंडिया में जैसे बहुत होता है ये ठीक है क्योंकि जहां पे लैंड की प्रोडक्टिविटी अच्छी है ठीक है और लैंड को आप बार बार एक साल में ही दो कई बार जो है आप यूज में ले सकते हो वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग जो है की जाती है ठीक है इसमें गई इस दो तरीके होते हैं पैडी कल्टीवेशन, ओके या ओके नॉन पैडी कल्टीवेशन, ओके मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हो आप अधिकतर जो है चावल की खेती होती है क्योंकि ये थोड़े बैकवर्ड एरियाज में होता है जो इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल इलाके हैं यहाँ पर ये एग्रीकल्चर होता है यहां पे बच्चों अधिकतर चावल ज्यादा उगाया जाता है आपको पता है कुछ जगहों पे नॉन पैडी भी होता है जैसे इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर जो है या नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉन पैडी मतलब वीट आ जाता है वहां पर बेसिकली तो इसे कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर विद पैडी डोमिनेंस या विदाउट पैडी डोमिनेंस ठीक है तो डोमिनेंस होती है आप एक क्रॉप की मोस्टली आपके राइस की होती है राइस नहीं है तो फिर कुछ और होगा तो नॉन पैडी बोलेंगे हम उसको ठीक है ये कहीं उन जगहों पर किया जाता है बेसिकली इंडिया जहां पॉपुलेशन बर्डन बहुत ज्यादा है जैसे इंडिया साउथ एशिया पूरा है साउथ ईस्ट एशिया है ठीक है यूज ऑफ मशीनरी जो है लिमिटेड रखी जाती है क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है किसान के पास मैनुअल लेबर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है वो ठीक है तो इंडिया का पर्टिकुलर केस यहाँ पे देख दे बन, बन रहा है हम हमारे को ठीक है तो आप देख लीजिए इंडिया ऐसी जोन में आ रहा है चाइना वाइना ओके साउथ ईस्ट एशिया ओके तो इंटेंसिव है गई यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन बर्डन ज्यादा है ठीक है लैंड फर्टाइल है आपके लिए ठीक है तो यहाँ पर होगा आपके इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग समझ गए आप पैडी विद पैडी डोमिनेशन होगा या तो या तो चावल उगाया जाएगा या फिर नॉन पैडी पैडी no, मतलब राइस ठीक है सो दिस इज द थिंग आई होप यू गॉट इट एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन ओके तो ये पैडी डोमिनेशन का बता दिया मैंने आपको ये विदाउट पैडी है तो जो जहां चावल नहीं होगा फिर वहां क्या हुआ आ जाएगा गेहूं सोयाबीन बारले यानी कि जौ ओके okay? स्वर्गम नॉर्दर्न चाइना मंचूरिया नॉर्थ कोरिया नॉर्दर्न जापान में ये आपके इस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है ओके सो वेट पैडी एक्सेप्ट द एरिगेटेड एरिया सो आई होप यू गॉट इट ठीक है तो तो एक तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है विदाउट पैडी और एक विद पैडी समझ गए अब हम चलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ठीक है आई होपर पी एम कृषक योजना सबसे नहीं नहीं परंपरागत जो योजना है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ठीक है तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो है सिंपली हम प्लांटेशन क्रॉप यूज करते हैं हालांकि आपको सुनने में नहीं लगता होगा बट जो वो जो टी है कॉफी है ठीक है कोकोआ है जैसे चॉकलेट बनती है आपकी ओके शुगर केन है ओके ये भी आपके प्लांटेशन क्रॉप में आता है तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बचो वैसे यू नो रेमोरेटिव होता है बहुत एक बार अगर आपकी फसल लग गई रबड़ के पेड़ जैसे तैयार हो गए ऑयल पाम के पेड़ तैयार हो गए फिर वो यू नो उनसे आप जो है इनकम लेते रहो और अच्छी इनकम होती है ठीक है लेकिन गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर क्योंकि एक बार आपने पेड़ लगाया प्लांट को लगाया तो प्लांट उगेगा पाँच छः साल में बड़ा होगा उसके बाद कुछ दे पाएगा वो ठीक है तो ये थोड़ा इंटेंसिव है यानी कि पैसा लगाना पड़ेगा कैपिटल यहाँ पे लगानी पड़ेगी मशीन लगानी पड़ेगी टेक्निकल लगानी पड़ेगी साइंटिफिक तरीके से करना पड़ता है ठीक है तो टी कॉफी लेबर भी इनमें बहुत लगता है तो वो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बेसिकली आपको बताया ये यूरोपियन जो कॉलोनीज जो कॉलोनीज थी कॉलोनियल जो एम्पायर से उन्होंने ये जो है ट्रेंड चालू किया ठीक है तो प्लांटेशन मतलब प्लांट क्रॉप जो है वो प्लांटेशन के लिए होती है ऑब्वियसली इट फॉर कमर्शियल यूज कोई भी रबर जो है पैदा करके खुद रबर को कंज्यूम नहीं करेगा ठीक है कोई कॉफी बनाकर जो है सारी कॉफी खुद नहीं पिएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में बेचेगा तो ये कमर्शियल उसमें फॉल करता है बस ये कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर ठीक है गलचर, तो वह जो फ्रेंच जो थे कॉलोनिस्ट उन्होंने कोकोआ और कॉफी का प्लांटेशन जो है इंट्रोड्यूस किया वेस्ट अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स ने आपको बताई है चाय के लिए फेमस है इंडिया में चाय ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे ठीक है चाय का जो प्लांटेशन है श्रीलंका में भी ले गए उसको वो ठीक है रबर प्लांटेशन को मलेशिया ओके okay, शुगर केन और बनाना प्लांटेशन को वेस्ट इंडीज में जो है ब्रिटिशर्स लेके गए ठीक है स्पैनिश और अमेरिकन ने बचो कोकोनट और शुगर केन फार्मिंग बहुत करी फिलिपींस के अंदर ठीक है कॉलोनी थी आपको बताया पहले ये ठीक है वैसा ऐसा सीन है ठीक है सो दीज आर पीडियल ओके सो दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर ट्रीज को या प्लांटेशन जो क्रॉप होती है ओके प्लांटेशन क्रॉप को उसमें जो है उगाया जाता है अंडर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर समझ में आ गया आपको ठीक है ये एक और दूसरी तरह का जो है फार्मिंग सिस्टम है दिस इज कॉल्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ठीक है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या कमर्शियल ग्रेन ग्रेन कल्टीवेशन यहां तक किसी कोई दिक्कत तो प्लीज आस्क मी ठीक है तो वो जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या है अनाज उगाया जाता है अनाज ठीक है गेहूं या बारले या कौन बड़े बहुत ही बड़े स्केल पे ठीक है अधिकतर आपने देखा होगा स्टेप जो आज यूक्रेन और रशिया में जो होती है वो यही फार्मिंग होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दो च, एक दो आदमी होते हैं या एक ही आदमी होता है हजारों एकड़ का उसका खेत होता है या जमीन होती है उसमें वो गेहूं ही गेहूं उगाएगा और उसके पास कई मशीनें होती हैं करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं और अकेला ही आदमी उसके अंदर जो है कई टन कई क्विंटल जो है अनाज उगाता है तो वह मॉडर्न कंट्रीज में पर्टिकुलरली जो टेम्परेड ग्रास होते हैं जैसे स्टेप है आपके यूरेशिया के अंदर प्रेरीज हैं आपके अमेरिका में पेम्पाज हैं आपके अर्जेंटीना के अंदर ठीक है वेल्ड हैं डाउनज हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में इन इलाकों के अंदर ये कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होती है ठीक so तो है, है है तो तो जाता इनका पैसा होता पैसे हो पैसे को हमेशा मतलब के लेके चलते हैं, तो बहुत रिच फार्मर्स होते हैं बहुत होते ये, क्योंकि तो ग्रेन की बच्चों डिमांड हमेशा रहेगी इंसान जब तक है ग्रेन हमेशा खाएगा वो और ये उगाते हैं ग्रेन को बहुत ही प्रचुर मात्रा में ठीक है सो दिस इज कॉल्ड देख लीजिए आप एक मशीन चल रही है इधर ये काट रही है फसल को और इसी में से जो है गेहूं निकल रहा है कचरा अलग हो रहा है ठीक है और फसल इधर गिर रही है तो इस तरह से ये जो आपके मैकेनाइज ग्रेन फार्मिंग या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हम इसे कहते हैं ठीक है समझ गए आप सो तो ये आपका स्टेप का इलाका है ये आपका प्रेरीज है ये पेम्पाज है ये वेल्ड है ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स है तो यहां पर ये वाली फार्मिंग जो है आपको देखने को मिलती है ठीक है प्रॉब्लम टू प्लीज आस्क ओके मिक्स्ड फार्मिंग अब मिक्स्ड फार्मिंग बच्चों सवाल आ चुका है एग्जाम में ओके okay, यूपीएससी में ही पूछा जा चुका है मिक्स्ड फार्मिंग पे ठीक है तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो तीनों ही आपके काम की है ठीक है मिक्स्ड फार्मिंग ठीक है मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है फटाफट आप बताओ क्या होती है बच्चों मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कौन बताया कमेंट सेक्शन में लिखो ओके okay. ये आया है आपके मेंस 2022 में ये आपके आ चुका है प्रिलिम्स में ठीक स दो हजार बाईस में आया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग ऑलरेडी दे इन द एग्जामिनेशन मिक्स फार्मिंग में क्या होता है यस वेरी गुड श्रीनिधि वेरी गुड तो जो मिक्स्ड फार्मिंग में जो होता है एक मतलब क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक दोनों को ही यू you नो know, रखा जाता है मिक्स क्रॉपिंग में जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो मिक्स क्रॉपिंग जो होती है बच्चों उसमें एक ही खेत में मैंने गेहूं भी उगाया है हवा है उसमें ही बीच में मैंने दाल उगा रखी है ठीक है उसी में जो है मैंने आपके जो है चना उगा रखा है ग्राम ठीक है इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग ठीक है यानी कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे आप एक ही समय पर अलग क्रॉप्स उगाओ दिस इज मिक्स्ड क्रॉपिंग ठीक है मिक्सड फार्मिंग होता है गाइस क्रॉपिंग प्लस लाइफ स्टॉक मतलब कैटल्स भी हैं गाय भैंस शीप कोट, whatever, वो भी और क्रॉपिंग भी है खेती भी है ठीक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग बच्चों इस साल आया था यूपीएससी में और ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन मेंस में ही दोबारा रिपीट हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं दोबारा रिपीट हो जाए और ये तो प्रम्स में बहुत पहले आ चुका है ये भी रिपीट हो सकता है आपको पता होना चाहिए इसमें कंफ्यूज हो जाओगे मिक्स क्रॉपिंग में मिक्स फार्मिंग में तो डिफरेंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए ठीक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है गाइस कि एक ही जगह पे एक ही खेत पे या एक ही पीस ऑफ लैंड पे आप सब कुछ कर रहे हो ठीक है आप क्रॉपिंग भी कर रहे हो आप एनिमल्स भी बना रहे हो एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है जो वेस्ट है उससे आप खाद भी बना रहे हो ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बन रहा है उधर ही छोटा मोटा वहां पे कोई विंड पावर विंड पवन चक्की भी आपने लगा ली समझ रहे हो वहीं पर कुछ ना कुछ आप जो है और भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग फार्मिंग से जुड़े हुए बायोगैस आप बना रहे हो जैसे कि मिथेन गैस मैंने कल आपको बताया था गोबर गैस भी कहते हैं तो ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये अच्छा तरीका है इस फार्मिंग करने का इसमें जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आता है ये ठीक है सो इट सस्टेनेबल सो ये अभी क्वेश्चन मेन में आपके आया था इस बार ऑल राइट दिस इज द थिंग समझ गए आप तो मिक्सड फार्मिंग में आप समझ ही गए अब क्या होता है ऑल राइट right. ठीक है सो so, फार्मिंग आपके नॉर्थ वेस्ट यूरोप ईस्टर्न यूरोप यहां पर भी की जाती है ठीक है और एनिमल्स इक्वल इंफोसिस दिया जाता है क्रॉप पे भी और एनिमल्स पे भी ठीक है कैटल्स शीप पिग्स पोल्ट्री सब पाला जाता है और साथ में खेती भी की जाती है दोनों ही चीजें होती है यहां पर मिक्सड फार्मिंग में ऑल राइट सो दीज आर द एरियाज विच हैव द मिक्सड फार्मिंग ओके अब होता आगे आ गए डेरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग है स्पेसिफिकली वही एनिमल्स रखे जाते हैं जो कि या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो है आप तरह तरह के जो है और प्रोडक्ट्स बना सकते हो ठीक so है सो डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस क्योंकि इसमें हाईली टेक्नोलॉजी लगती है क्योंकि मिल्क जो होता है उसको इतने सारे जानवरों से निकालना तो मशीनों से जो है दूध निकाला जाता है ठीक है फिर दूध को तुरंत प्रोसेस करना जरूरी है तो दूध जो है आपको बताया कि ज़्यादातर तो उसमें रखा रखा तो खराब हो जाएगा वो तो इट्स हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड कैपिटल इंसेंटिव है ये ठीक है इन्वेस्टमेंट सही होता है शेड्स चाहिए एनिमल्स के लिए स्टोरेज चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो देर इज लॉट ऑफ यू नो वर्क ऑल्सो एंड मनी ऑल्सो विच इज रिक्वायर्ड बट यू हैव नो ऑफ सीजन कोई भी सीजन जो है आपको खा मतलब ऐसा नहीं है कि जो है खाली रहेगा इंसान का या फार्मर के पास जो है पैसा नहीं है पैसा आता रहेगा बस स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पैसा लगाना है उसके बाद जो है हर जगह हर जगह जो है आपको हर समय हर साल के हर सीजन में कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे मिल्क मिलता रहेगा और उसको आप बेचते रहोगे मोस्टली वही विदेशों के अंदर इस तरह के फार्म जो है अर्बन एरियाज जो होते हैं बड़े बड़े शहर होते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं ज़्यादा तो वहाँ पर मिल्क की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उनके पास जो है आपको बड़े बड़े शहरों के सबर्ब्स में जो है आपको ये जो है इस तरह के बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग जो है आपको मिलेगी ठीक you know, है नॉर्थ वेस्ट यूरोप जैसे हाईली आपका यू नो एडवांस है फ्रांस वाला पार्ट जो है ये वाला उसमें आता है ठीक है सो कैनेडा है न्यूजीलैंड है सो हेर यू विल फाइंड ओके तो इतना गई ये प्रोडक्शन करते हैं इतना प्रोडक्शन करते हैं दे आर ऑल्सो डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इंडस्ट्री वर्ल्ड जो डेयरी इंडस्ट्रीज है ये भी डोमिनेट कर रहे हैं यूरोपियंस भले ही सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया हो भले ही सबसे ज्यादा कैटल्स भारत में है ओके okay, लेकिन दुनिया के जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के वो यही देश हैं यूरोप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेरी फार्मिंग करते हैं सो दे आर दैट इज दैट्स वाई दे आर द टॉप एक्सपोर्टर्स ओके इनकी डेयरी इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही एडवांस है बहुत ही एफिशियंट है मतलब आपके लिए ठीक है सर लाइक दिस ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है मॉडर्न आफ फार्मे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सब कुछ होता रहता है अपने आप मशीन से खाना आ जाएगा अपने आप जो है सब कुछ अपने आप हो जाएगा ठीक है तो देख लीजिए ये इलाके हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तस्मानिया या छोटा सा आइलैंड जो है यहां पर यहां पर भी की जाती है यूरोप में की जाती है नॉर्थ वेस्ट यूरोप अमेरिका आ गया आपका कई थोड़े थोड़े जगहों पे साउथ अमेरिका में भी की जाती है अर्जेंटीना वगैरह में ठीक है तो दिस इज द डेयरी फार्मिंग ऑल राइट मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलो अलग ही बायो में ठीक है अलग ही बायो में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर ये आपके मेडिटेरियन के आसपास का जो इलाका है यूरोप सदर्न जो यूरोप है और द नॉर्दर्न अफ्रीका ठीक है इस ये इलाका सारा का सारा जो है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के अंदर आता है एंड इट इज़ लाइक यू नो इट हैज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड द सॉइल सॉइल जो है यहाँ पर टेरा रोसा और रेंट जाना सॉइल होती है ओके तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है ना गर्मी ना ठंड बिल्कुल बढ़िया तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़िया है यहाँ पर बचो वेटिकल्चर यहाँ पर फॉलो किया जाता है मतलब ग्रेप कल्टीवेशन जिससे आपको पता है दुनिया की सबसे बेहतरीन वगैरह जो है वो यहाँ प्रोड्यूस होती है उसके अलावा फिग ट्री जो होता है वो यहाँ पे होता है ऑलिव ऑयल आपको पता है बहुत महंगा आता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी यहाँ पे अच्छे होते हैं तो ये मेडिटेरियन का इलाका है मेडिटेरियन सी के आसपास का इलाका है ठीक है अफ्रीका से लेके यूरोप से लेके इजराइल ओके वो सारा कर्व पूरा मारते हुए स्पेन तक इटली हो गया आपका फ्रांस फ्रांस में आपको बताया दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन्स जो है फ्रांस में बनती है ऑलिव एंड गेट आल्सो यू विल गेट ऑल राइट सो दिस इज द थिंग ठीक है सो दिस दिसन यार्ड इन स्विट्जरलैंड ओके तो ग्रेप्स उगाए जाते हैं ठीक है और फिर जो है उससे जो है आपके आ, वाइन वगैरह बनती है या फ्रूट्स होते हैं ऑलिव ट्रीज होते हैं सो ऑयल निकलता है आपके लिए ठीक है मार्केट गार्डनिंग एज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया था मार्केट गार्डनिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए और हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही होगा ठीक है एक सेकेंड यस सिट्रस फूड आर आल्सो सिट्रस फूड्स आर आल्सो ग्रोन इन मेडिटेर एरिया ठीक है तो जो मार्केट गार्डनिंग होती है बेसिकली सिटी के आसपास होती है बिल्कुल ये ठीक है थीके? मैंने आपको पहले ही बताया था ये मेरे को याद है ठीक है जो एक सिटी होता है बच्चों उसको बहुत सारी चीजें बेसिक चीजें चाहिए होती है जो आप ज्यादा दूर से नहीं ला सकते हो ठीक है जैसे कि आपके यू नो मिल्क मिल्क हो गया प्योर मिल्क जो है जो ठीक है फ्रूट्स हो गए मोस्टली वेजिटेबल्स आती हैं इसके अंदर ये सब जो मार्केट गार्डनिंग में आता है क्रॉप्स आ गई सारी, ओके, फ्लावर्स ब्लावर्स, क्योंकि इनको आप इतनी एक सिटी है ए, अब इसको ये सारी चाहिए, अब इसको सब दूर से नहीं ला सकते वेजिटेबल तो खराब हो जाएंगे सड़ जाएंगे तो दो तीन दिन की लाइफ होती है तो इनको क्या किया जाता है सिटी के आसपास ही उगाया जाता है तो ये जो पूरा एरिया यहां पर मार्केट गार्डनिंग आपको देखने को मिलती है दिस इज कॉल्ड मार्केट गार्डनिंग ओके ये आपकी मार्केट गार्डनिंग का इलाका है ठीक है तो यहां पर बच्चों गेहूं को ही नहीं उगाएगा चावल को ही नहीं उगा यहाँ पे और एग्रीकल्चर कोई नहीं करेगा यहां पर सिर्फ इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा होएंगी। डेली बेसिस पे आदमी जाएगा बहुत लेबरस होता है ये मार्केट गार्डनिंग का काम क्योंकि डेली बेसिस पे आपको सब्जियां तोड़नी है फल तोड़ने हैं फिर उनको लाद कर गाड़ी में या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको जो है शहर में लाना है फिर शहर की जो मंडी है वहां पे बेचना है फिर वापस आना है फिर अगले दिन यही काम तो बहुत ही लेबरस काम होता है ये थी, ठीक है मेहनत बहुत लगती है इसमें ठीक है सो दिस इज द मार्केट गार्डनिंग बट रेमोनरेटिव भी होता है ओके जो हाइल्ड फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर सब यहां पे यूज होता है क्योंकि शहर के पास ही है तो यू you नो know, यू गेट एवरी थिंग एंड द डिमांड इज ऑलवेज हाई द प्राइज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन ऑज ऑलवेज देयर सो फार्मर्स ट्राई देयर बेस्ट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द मार्केट गार्डनिंग एरिया ओके सो दिस इज द थिंग समझ गए आप ओके सो इन एडिशन टू द मार्केट गार्डनिंग मॉडर्न डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप नॉर्दर्न अमेरिका हर जगह होती है जो भी बड़ा शहर होगा उसके आसपास यू नो मार्केट गार्डनिंग आपको देखने को मिलेगी ओके यू कैन हैव द समस्ट ऑल्सो पोल्ट्री ऑल्सो कैटल्स ऑल्सो फॉर मिल्क ठीक है ये बात है तो बचो सारी जो है प्राइमरी हमारी एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर right, so okay, के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं ये सारी जो बचो क्लासीफिकेशन है विटल सी ने दिया था वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है बट जोग्राफी ऑक्सफोल में तो हम पढ़ते ही हैं कि सी ने क्लासीफाई किया था दुनिया में किस किन तरह से एग्रीकल्चर किया जाता है सारा जो मैंने आपको बताया अब तक सब्सिस्टेंस बेस्ड सब्सिस्टेंस विथ पेडी कल्टिवेशन नॉन पेडी कल्टिवेशन कॉपरेट फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग ठीक है कॉपरेट फार्मिंग गई से क्या होती है ओके कॉपरेट फार्मिंग में गई जो है फार्मर्स जो है अपने यू नो रिसोर्सिस को जो है इकट्ठा कर लेते हैं वॉलेंट्री बेसिस पे कोई जबरदस्ती नहीं होती है उनके साथ जैसे बचो सोवियत यूनियन में थोड़ी जबरदस्ती करी गई थी कलेक्टिव फार्मिंग के लिए ठीक है ये अलग चीज है बिल्कुल अलग चीज है ये ठीक है यहां पे बच्चों रिसोर्सेज एक कर लेते हैं कि यार ठीक है अपन सब लोग क्या उगाते हैं सन औरजेस तो अपन जब भी अपने ऑरेंजेस जब भी अपनी ऑरेंजेस और, 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 जो है पक कर तैयार होंगे अपन एक कलेक्टिवली उनको जो है ट्रक्स वगैरह जो है एक ट्रक ले लेंगे और उसमें सब जो है अपना सामान डाल के दूर मार्केट में बेच देंगे ये होता है बच्चों कॉपरेटिव कॉपरेट करते हैं फार्मर जिसपे पूल कर लेते हैं अपने रिसोर्सेस को ठीक है बी जा रहा है तो सब लोग एक साथ ही मंगा लेंगे बाहर से तो इससे क्या है फायदा हो जाता है जो है आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है आपके हिसाब से जो है फायदा होता है तो प्रोक्योरमेंट जो है से ईजी हो जाता है इनपुट्स जो है ईजी हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग ओके लेकिन विलफुली होता है मतलब वॉलेंट्री होता है जोर जबरदस्ती नहीं है कोई ठीक है डेनमार्क नीदरलैंड बेल्जियम स्वीडन एस्टियन कंट्रीज में जो है ऑपरेटिंग फार्मिंग जो है स्टार्ट हुई थी बेसिकली और बहुत सक्सेसफुल भी रही है ठीक है तो ये होती है फार्मिंग एक होती कलेक्टिव फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग जो है कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो आपके अलग होती है तो भारत में बचो आज अगर भारत के एग्रीकल्चर इंडिया के एग्रीकल्चर सिनारियों कोई कुछ कोई सुधार सकता है तो कलेक्टिव फार्मिंग ही है ठीक है तो वही फार्मर्स के क्या होते हैं छोटे छोटे खेत होते हैं अलग अलग सबका ऐसा ही है लैंड होल्डिंग जो है छोटी होती है ठीक है जब लैंड होल्डिंग आपकी छोटी है तो आप कभी भी ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते उसमें क्योंकि छोटे से खेत के लिए कौन अच्छा बीज लेके आएगा कौन बड़ी बड़ी मशीनें उसमें लेके आएगा कौन अपना सामान छोटा थोड़ी सी जो पैदा हुई है उसको कौन ज्यादा दूर बेचने जाएगा तो बच्चों बचा कलेक्टिव फार्मिंग का जो सिस्टम ये है आपके सोवियत यूनियन में चालू हुआ जहां पे लोगों को जबरदस्ती बोला गया कि आप अपना लैंड को सब मिला लो और सब मिलकर उस पर खेती करो तो कोई तेरा मेरा नहीं सारा ये एक बड़ा पीस ऑफ लैंड बन गया ठीक है इस पर अब सब मिलकर खेती करेंगे जिससे जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा ठीक है कॉलकोस भी कहा जाता है सिस्टम को ऑलराइट सो कलेक्टिव फार्मिंग होती है कलेक्टिवली एवरीबडी विल पूल यहां तो बचो है यहां पर देखिए रिसोर्सेस पूल हो रहे हैं अब रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है पैसा हो गया बीज हो गया कोई सर्विस हो गई ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रेफ्रिजरेशन ये रिसोर्सिस यहां पर क्या होता है कलेक्टिव फार्मिंग में जो लैंड होता है वो पूल होता है सबकी जो जमीन है ठीक है सोशल ओनरशिप होती labor, है प्रोडक्शन कलेक्टिव लेबर को ठीक है पूल ऑल द रिसोर्सेज लाइक लैंड सब कुछ ही मिला लेते हैं वो तो लेबर सब कुछ एक कर लेते हैं और फिर जो है एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो ठीक है इंडिया में भी आज ये प्रॉब्लम है एट्टी परसेंट जहाँ पर लैंड होल्डिंग जो है आपके आ, दो हेक्टेयर से कम है छोटे खेत हैं बहुत तो यहाँ पर इंडिया में भी जो है कलेक्टिव फार्मिंग इंडिया के एग्रीकल्चर सिनारे को सुधार सकती है ठीक है हेल्प कर सकती है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है बहुत ज़्यादा अगर सही से इम्प्लीमेंट करी जाए तो ठीक है तो दैट इज अ थिंग ऑल

रैट होल माइनिंग भी कहते हो ठीक है सो बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन ऑल्सो आस्ट ओपन कास्ट माइनिंग के ऊपर ठीक है तो यहां पर सिंपल एक डायग्राम है इसमें हम समझ सकते हैं ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है ठीक तो है तो भाई इस माइनिंग जैसे कोयला है ठीक है यहाँ पे कोयले का भंडार है बहुत सारा इस जमीन में तो मैं क्या करूंगा यहीं पर जमीन ऊपर से ही खोदना चालू कर दूंगा यहां से डायरेक्ट यहां से कोयला निकालना चालू कर दूंगा ठीक है इससे क्या होता है कहीं लैंड स्कैरिफिकेशन होता है लैंड जो है स्कार्स पड़ जाते हैं लैंड पे और ये जो मिनरल्स और केमिकल जो भी यूज कर रहा हूँ मैं ये सारे जो है एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएंगे कोयला वयला जो है इधर उधर फैल जाएगा पल्यूशन होगा तो ये एक तरह से पल्यूटिंग तरीका है एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका नहीं है ओपन कास्ट माइनिंग का हालांकि सस्ता पड़ता है ये चीप होता है ठीक है और इसमें कोई हाईली मैकेनाइजेशन भी नहीं चाहिए कोई हाई कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए सिंपल तरीका है ये बट इट इज बेसिकली योर ओपन कास्ट माइनिंग हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस तरीका जो है बच्चों वो आपका है, जिसमें किया एक सुरंग जाती है, कर सकते हो लेकिन अगर जो जो भी मिनरल है लोहा तांबा सोना चांदी डायमंड कोयला वो नीचे है जमीन के बहुत ठीक है तो उसमें फिर आपको ओपन शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है तो दो तरीके हैं ये ठीक है सो दिस इज़ द थिंग ओके सो इसी के साथ जो इस क्लास को अपन जो है ख़त्म करते हैं आज ठीक है सो आई होप यू लाइक डिट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो और ऑफर में आप जो है जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कोड आप यूज़ कर सकते हो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कभी भी खत्म हो सकता है ओके फिफ्टी परसेंट ऑफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टैक्ट मी ऑल राइट सो अट्ठारह महीने का सब्सक्रिप्शन का पैकेज है अच्छा पैकेज है ऑप्शनल और जी भी पढ़ सकते हो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में यही लीजिएगा सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ कीजिएगा और डिस्काउंट के लिए और ये सारे जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ठीक है आप लोन पे भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन ऑल राइट सो दिस इज द थिंग एंड राइट नाउ यू आर गेटिंग मच मोर डिस्काउंट सो लेट्स नॉट सी दीस स्लाइड सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल गाइज और uh, कल सुबह मिलते हैं आप अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में जो हिंदू की मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा आप सुबह नौ बजे हुआ करेगी रोज़ ठीक है तो आप मेरे पे डिपेंड कर सकते हो उसके लिए ठीक है तो तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर लेट्स क्रैक इट